हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है भाई साहब? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऐसी मोशन या ऐसी सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड क्या रहे, कांस्टेंट रहे। स्पीड क्या रहे, कांस्टेंट रहे। यहाँ पे मान लो स्पीड वी थी, कुछ टाइम बाद पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पे भी स्पीड कितनी होगी, वी होगी। कुछ टाइम बाद पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, यहाँ पे भी स्पीड कितनी होगी, वी होगी। कुछ टाइम बाद पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, यहाँ पे भी स्पीड कितनी होगी, वी होगी। कोई दिक्कत? इसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या रहता है, सेम स्पीड सेम रहती है या कांस्टेंट रहती है। वेलोसिटी सेम रहती है क्या? नहीं, क्योंकि स्पीड अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसलिए वेलोसिटी सेम नहीं रहेगा। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर के लिए, सर्कुलर मोशन के लिए मस्ट चीज़ क्या होती है? सेंट्रिपेटल एक्सलरेशन। क्या होता है? सेंट्रिपेटल एक्सलरेशन, जो हमेशा किधर लगता है, सेंटर की साइड। एसी क्या है? सेंट्री एक्सीलरेशन, सेंट्रिपेटल एक्सलरेशन। समझ आई चीज़ें? अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड कांस्टेंट रही है, इसका मतलब इसमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तो नहीं होगा, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का काम स्पीड को चेंज करना होता है, यानी स्पीड के मैग्नीट्यूड को चेंज करना होता है, जो कि चेंज नहीं हो रहा, इसलिए सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन है। समझ आई चीज़ें? अब इसमें सबसे बढ़िया चीज़ जो पूछी जा सकती है या पूछी जा चुकी है, वो कि वर्क डन बाई, वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स। वर्क डन बाई सेंट्रिपिटल फोर्स। पहले तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू एंगल बिटवीन देम, यानी वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन इक्वल टू एफ, क्या आता बनेगा? सेंट्रिपिटल एक्सीलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर। तो फोर्स ऑफ सेंट्रिपिटल क्या होगा? मास इंटू सेंट्रिपिटल एक्सीलेशन। तो वर्क डन क्या होगा? फोर्स तो हुआ एम ए सी, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ टी टाइम बाद, मान लेते वी इंटू टी हो गया। स्पीड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इस बार यू इंटू टी। थीटा कितना है? कॉस थीटा। थीटा देखो, डिस्प्लेसमेंट इधर, पार्टिकल जितने स्पीड उधर डिस्प्लेसमेंट, उसके परपेंडिकुलर हमेशा सेंट्रीपिटल एक्सलेशन। देखो यहाँ पे ऐसे था, यहाँ पे ऐसे था, हमेशा एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री, इसलिए कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 कितना होता है? 1। अरे महानुभाव, 0 होता है, इसलिए वर्क डन कितना आ गया? 0। वर्क डन कितना आ गया? 0। इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन हमेशा कितना आता है? 0 आता है। हमेशा कितना आता है? 0 आता है। याद रखना है इस चीज़ को ऑलवेज। पावर भी देख लेते हैं। पावर क्या होती है भाई साहब? पावर होती है एफ डॉट वी। एफ डॉट वी का मतलब एफ वी कॉस थीटा। कोई दिक्कत? थीटा अगेन फोर्स और वेलोसिटी में कितना है? सेंट्रिपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं, तो थीटा अगेन जी 90, तो पावर अगेन 0। कोई समस्या?